आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत कब से पड़ने लगी? हाँ ऐसे जैसे चले जाएंगे आप। मैम मैम बात सुनो। यार हर्षित, तुम्हारा वो गार्ड, उसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। क्या सुमित ने ऐसा किया? सुमित! मैडम कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे एक्चुअली हमारी अंदर एक मीटिंग है, हम उसी के लिए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत कब से पड़ने लगी? हाँ मैम, सर से मिलने के लिए ना अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप चले जाएं यहाँ से। अभी तो जानता नहीं है ये है कौन जो तू इसे अंदर जाने से रोक रहा है। मैडम ये कोई भी हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे जो ऑर्डर्स मिले मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सना ये कितनी बदतमीजी कर रहा है तेरे साथ। अगर तेरी जगह मैं होती ना, मैं नहीं साइन करती इतनी बदतमीजी इसकी। दो कौड़ी का गार्ड। कोई बात नहीं ज्योति, तुम यहाँ पर न्यू ज्वाइन हुआ है क्या? मैम न्यू ज्वाइनिंग है। लिसन, तुम्हारा जो अंदर बॉस बैठा है ना, मैं उसकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मुझे उससे मिलने के लिए किसी भी तरीके की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझे चुपचाप अंदर जाने दो। मैडम आप कोई भी हो, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा हूँ, और मुझे मत बताइए कि आप कौन है क्या नहीं है। मुझे जान के कुछ करना भी नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते बिना अपॉइंटमेंट के, बस। ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, इसको साइड करके मुझसे बात करो, वरना मेरे पास इतनी पावर है कि मैं 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से तुम्हारी जॉब से निकलवा सकती हूँ। तो सारा का सारा ईगो और एटीट्यूड ना तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो और मुझे अंदर जाने दो। मैडम मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, सर ने मुझे जो बोले मैं वही कर रहा हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या रहेगा इसके बाद। और मैं भी देखता हूँ कि मुझे अंदर जाने से रोकता कौन है। ऐसे जैसे चले जाएंगे आप। मैम मैम बात सुनो। मैम मैम अरे सना आ गए तुम? हाँ हर्षित ना आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हम मीटिंग कर पाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है मीटिंग करने का। सारा का सारा मूड खराब हो गया मेरा। तुम्हारा गार्ड कितना बदतमीज है यार। क्यों क्या हुआ? अरे यार हर्षित, तुम्हारा वो गार्ड, उसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था हमारे साथ तुम्हारे गेट पर। यार थोड़ी सी तो मैनर्स होती है ना किसी के अंदर। वो गार्ड है, उसे सभी के साथ अच्छे से पोलाइटली बात करनी चाहिए। अगर आज तो वो हमारे साथ इस तरीके से पेश आ रहा है तो मैंने तुम्हें आकर बताया, कल को वो तुम्हारे अदर क्लाइंट्स के साथ इसी तरीके से बिहेव करेगा तो तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारा क्या इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर? सिर्फ उसकी गलती की वजह से तुम्हारा और तुम्हारी कंपनी का पूरे के पूरे मार्केट में नाम खराब होगा। क्या सुमित ने ऐसा किया? सुमित सुमित ये क्या बोल रही है सना, तुमने इनके साथ बदतमीजी की? माफ कीजिएगा सर, मैंने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। आपने मुझे ऑर्डर दिए थे कि बिना अपॉइंटमेंट के कोई अंदर नहीं आ सकता, बस मैंने अपनी ड्यूटी करी है सर। हर्षित ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इसने साफ साफ बदतमीजी की थी मेरे साथ गेट पर, और ज्योति भी गवाह इस बात की। तुम ज्योति से पूछ सकते हो, बोलो ज्योति। हाँ हर्षित, सना बिल्कुल सही कह रही है, इसने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की। अरे बस करो तुम दोनों, तुम्हारी सारी सच्चाई मुझे पहले से पता है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, और जो तुमने सुमित के साथ किया वो तो मैंने पहले ही देख लिया था। ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, इसको साइड करके मुझसे बात करो, वरना मेरे पास इतनी पावर है कि मैं 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से तुम्हारी जॉब से निकलवा सकती हूँ। तो सारा का सारा ईगो एटीट्यूड ना तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो और मुझे अंदर जाने दो। और तुम्हें अब ज़्यादा झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। सना मैंने सोचा था कि तुम यार इतने दिनों बाद मिल रही हो, तुम्हारे में कुछ चेंजेस आ गए होंगे, लेकिन आज ये तुम्हारी बातें सुनकर लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर अभी भी चेंजेस आए हैं। जैसे तुम पहले थी वैसे सेम आज भी हो। तुम्हें दूसरों की कद्र करना ही नहीं आता है, किसी से कैसे बातें करते हैं, किससे कैसे बोलते हैं, तुम्हें ये पता ही नहीं है। तुम बस अपने पैसों की अकड़ में किसी की भी बुराई करते हो। आज शायद तुम्हें पता नहीं, आज तुम जैसे उसकी बुराई मेरे सामने कर रही थी, अगर मेरी जगह यहाँ कोई और बैठा होता और उसे पूरी बात पता नहीं होती, तब तो तुम उसकी नौकरी खा सकती थी, उसको नौकरी से निकलवा सकती थी, और उससे उसे बड़ी दिक्कतें होती, बड़ी मुश्किल से उसे ये नौकरी मिली, और तुम्हारी वजह से आज उसकी नौकरी जा सकती थी। सना कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान कर दो तो उससे उसका घाटा तो जरूर होगा, लेकिन उससे जो बद्दुआ तुम्हें लगेगी उससे तुम्हें बहुत आगे चल के नुकसान हो सकता है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि जो तुमने गलती की है उसके तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। I'm really sorry, मुझे आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर्षित बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। मैं अपने ईगो के चक्कर में आपके साथ इतनी बदतमीजी कर गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम मैम। ठीक है सुमित, अब तुम जा सकते हो। जी सर।
और सना, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और मुझे आगे से तुमसे यही उम्मीद रहेगी कि तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। आओ अब मीटिंग कर लेते हैं।